हाँ, आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुना रही हूँ। अब कहानी है ये, कहीं का ग्रंथ वंथ का लिखा हुआ नहीं है, ये कहानियाँ तो मेरी दादी सुनाती थी और मैं भी आज आपको वही कहानी सुना रही हूँ दादी की। मैंने तो सुनी सुनाई कहानी आपको सुना रही हूँ। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु दोनों में लड़ाई होने लगी। ब्रह्मा कहने लगे मैं बड़े, तो विष्णु कहने लगे हम बड़े। तो ब्रह्मा जी बोले आप कैसे बड़े, तो विष्णु बोले हम तो पालनहार हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हम तो सृष्टि के रचयिता हैं, हम तो सृष्टि की रचना करते हैं। तो विष्णु भगवान बोले पर पालता तो मैं हूँ। उन दोनों में लड़ाई हो रही थी, तभी शंकर जी कहने लगे और मेरा मेरा कुछ भी नहीं है क्या, मैं भी तो सबसे बड़ा हूँ, मैं आपसे सबसे बड़ा हूँ क्योंकि मैं संहार करता हूँ, मैं सबको, मैं कालों का काल हूँ, मैं महाकाल हूँ, तो मैं सबको नष्ट करके उनको उनकी वो करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों ही बड़े हैं। तो शंकर भगवान को क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोला, और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला तो उन्होंने तीसरे नेत्र से विष्णु भगवान को देखा, तो विष्णु भगवान भी राख बन गए। फिर उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी भी राख हो गए। अब शंकर जी को थोड़ा सा चेत आया कि मैंने ये क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा जब ब्रह्मा विष्णु ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं किसका संहार करूँगा। तो उन्होंने अपनी तरफ देखा तो वो भी ढेर बन गए। अब तीन राख की ढेरी हो गई और तीन राख की ढेरियों में से आवाज़ आने लगी, और उन्होंने कहा मैं बड़ा, उन्होंने कहा मैं बड़ा, उन्होंने कहा मैं बड़ा। मैं बोले तीनों में से कोई बड़े नहीं है, सब एक दूसरे के कर्म करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, वो पालन करता है, और शंकर जी महाकाल, कालों के काल हैं, वो जो है सब दुष्टों का संहार करते हैं। तो हम तीनों बराबर बराबर हैं, अपने अपने कर्म क्षेत्र बटे हुए हैं। तो तीनों ने क्या किया कि फिर से जो है उन्होंने कहा तीनों बाहर आ जाओ, जो पहले बाहर आएगा वही बड़ा। तो झट से तीनों बाहर आ गए, और बाहर आते ही शंकर जी को कुछ समझ नहीं आया, तो शंकर जी ने वो भस्मी जो तीनों की थी तो अपने शरीर पर लपेट ली, और शंकर जी को उस दिन से जो है ताजे मुर्दों की भस्मी चढ़ाई जाने लगी। ये शंकर जी ने कहा कि जब भी किसी भी सोमवार को पाँचें पड़े, किसी भी सोमवार को पाँचें पड़े, तो उस दिन जो भी मनुष्य मुझे पाँचें के दिन सोमवार पाँचें पड़े और सोमवार का दिन हो और ताजे मुर्दे की भस्मी अगर मुझे चढ़ाएगा तो उसे सहस्त्रों यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि इसीलिए शंकर जी जो है भस्मी लगाते हैं, किसी को नहीं मालूम कि शंकर जी क्यों भस्मी लगाते हैं, पर मैं तो कथा सुनी हुई आपको सुना रही हूँ। धन्यवाद।